मनोरंजन 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 ये कौन साफ दिलाओ मनोरंजन यहाँ मधुर के हाथ दिलाओ वो इनके साथ दुर्घटना दुर्लभ हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं अभिषेक कुमार। इस वक्त की ब्रेकिंग अपडेट दिल्ली से आ रही है, जहां दिल्ली के सरिता विहार स्थित मदनपुर खादर में एलजीपी वॉटलिंग प्लांट में एक डेथ बॉडी को रखकर प्रदर्शन किया जा रहा है। पूरी घटना और वारदात हम आपको बताएंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है और आखिर क्यों ये ड्राइवर्स एक डेथ बॉडी को रखकर कंपनी के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। जी हाँ, मृतक का नाम देवेंद्र कुमार बताया जा रहा है, जो बिहार का रहने वाला है और पिछले 3-4 सालों से स्पीड कैरियर की गाड़ी चलाता था, जिसकी पिछले 15 तारीख को फरीदाबाद स्थित मेवला महाराजपुर में एक्सीडेंट हो गई। इसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया और अस्पताल में ही देवेंद्र ने दम तोड़ दिया। देवेंद्र का एक छोटा भाई है, जिसका रो रो कर बुरा हाल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। ओखला विधानसभा सहिता बिहार में ये एलपीजी प्लांट है, एक ड्राइवर का एक्सीडेंट में मौत हो गया है। बॉडी सामने देख रहे हैं आप। अब इनके परिजनों से जानना चाहते हैं, ये लोग जो इतने लोग हैं ये क्या सोचते हैं, क्या समस्या है आपका? सर इंसाफ होना चाहिए कुछ। मेरा भाई है मेरा। कितने दिन से काम कर रहे हैं और कहाँ काम कर रहे हैं? 5-7 साल से यहीं पर क्या कर रहा था। 7 साल से यहीं जी काम करते हैं इसी प्लांट के लिए जी, और प्याला इसी कंपनी में करता है। कौन सी गाड़ी चलाते थे? 1765 कंपनी वाले सर नहीं घोषित कर रहा है। बोला बारिश में घोषित कर रहा है सर। और ये ड्राइवर जो था, जिनके साथ आज दुर्घटना हुआ है, इनको मृत्यु हो गया है, ये हमारे सदस्य थे, ये हमारे 3-4 साल से हमारे साथ रह चुके थे, हमारी संगठन के मेंबर है। मेंबर के नाते हमने सब लोगों ने इसे आवाज़ उठाया, क्योंकि ये मालिक जो हमारे हैं वो कह रहे कि हम तो जानते नहीं है, ये हमारे पास काम नहीं करता था। वही प्रदर्शन कर रहे ड्राइवरों ने कंपनी से मुआवजे की मांग की। सर, इसका यही मांग है कि इसका भरपाई किया जाए। इसका माँ बाप बूढ़ा है, इसके कोई कमाने खाने वाला नहीं है। जो है एक भाई है, वो छोटा वाला भाई है, इसका एक बाप भी नहीं है। अब एक माँ है तो बूढ़ी है, इसका ट्रांसपोर्ट कर रहे सर, हम हमारा कुछ कोई नहीं है। लावारिस से घोषित करवा दिया है सर, कर मेरा ड्राइवर नहीं है। किस लिए खड़े देख रहे प्रदर्शन हो रहा है? इसके लिए मालिक नहीं आ रहा, मालिक जिम्मेवारी नहीं ले रहा है, उसको तो आना चाहिए। जानते थे? हाँ, जानते हैं, हमारा ड्राइवर भाई है तो हम नहीं जानेंगे। ड्राइवरों ने आरोप लगाया कि स्पीड कैरियर के मालिक और अधिकारियों ने देवेंद्र के बॉडी को पहचानने से इनकार कर दिया और ये कहा कि ये व्यक्ति हमारे यहाँ काम नहीं करता है। हमारा ड्राइवर भाई ये गाड़ी चला रहा था, ये मालिक कोई रिक्स नहीं ले रहा है, इसीलिए हम लोग हड़ताल पे बैठे हुए हैं, जे ताकि इसका मालिक आए। अब मालिक का था, ड्राइवर नहीं जानता हूँ मैं, उसके किसकी किस आधार पे दिया है गाड़ी मालिक ने, किस आधार पे दिया है गाड़ी मालिक ने? ये जो घटना हुई है और उसके बाद कंपनी का ये मानना, कंपनी के थ्रू आप लोग लगे हुए हैं या फिर? मैं हम लोग ट्रांसपोर्टर थ्रू लगे हुए हैं। ट्रांसपोर्टर तो अभी जी कार कौन कर रहा है? ट्रांसपोर्टर क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि मैं इसको जानते ही नहीं हूँ। बात हुई है, वो साहब नाट रहा है कि भैया मैं इसको रोज पर रखे थे, इसका जो लाल कार्ड था मेरे कंपनी में जो जाता है, जो कंपनी का सर्टिफिकेट होता है, वो सर्टिफिकेट भी ये सब फाड़ दिया है। ये तो हमारे गांव का है। आपके गांव के हैं? जी, बिहार का। बिहार के। कितने दिन से काम कर रहे थे और क्या काम करते हैं? ये पहले तो लेबरी कर रहे थे, फिर खलासी किया, फिर ड्राइवरी यहीं किया। 8-10 साल हो गया। तकरीबन कितने सालों से? करीबन 8 साल से हो गया। 8 साल लेबरी। आप लोग जानते हैं कंपनी इनकार कर रही है कि ये हमारे ड्राइवर नहीं है। वो कह रहा है। तो ऐसा हादसा सुनने में आया है, पहले भी इस जगह पर हुआ है और पहले भी और इसमें उसी के कंपनी के सारे ड्राइवर है, इधर भी है कंपनी के ड्राइवर, ये दोनों है भैया है,
दो चार और ड्राइवर मेरे साथ जुड़ेगा, वो अभी आया नहीं है, वो सब ड्राइवर जान रहा है कि इसको साथ है। इसी मालिक की गाड़ी दो तीन साल से ही लगातार चला रहा है। अब जितने गाड़ी नंबर कहिएगा सारे नंबर वो गाड़ी नंबर आपको बोल सकते हैं। सर ऐसा काम है कि यहाँ पे बराबर ऐसा काम होते रहता है, इसलिए और होने के बाद मालिक जो है वो बिल्कुल रिस्क नहीं लेता है। मालिक बिल्कुल यही बोलता है कि हमारा कोई आदमी नहीं है या हमें उसका कोई मतलब नहीं है, सीधा डायरेक्ट ये थाना खरीद लिया है, थाना खरीदा है। जो अभी ये कैजुअल्टी हुआ है और जो मुआवजा बनता है इनका, ताकि इनके जो पीढ़ी है, अब तो ये चले गए, इनके जो पीछे जो पीढ़ी है वो भूखा ना मरे, क्योंकि इनके इन पे आश्रित था पूरा परिवार इनका। 27 साल का एज है, शादीशुदा भी नहीं था, यंग एज है अभी भी, आप समझ सकते हो कि बहुत लंबी लाइफ बची हुई है इनकी, बची हुई थी लेकिन चले गए। अब नॉर्मल थी एक लाइफ, हम लोग का डिमांड है कि जो मुआवजा बनता है। महीना में तबियत ख़राब हो गया था, हम 29 तारीख को 30 को लोड नहीं गिरने गए, हमारा 4900 रुपया काट लिया, उसके बाद में हम 13 तारीख को गाड़ी छोड़ दिए पैसा काटने के बाद में। हाँ जी, रोड पर कोई घटना भी घट जाए तो कहता मैं नहीं जानता, फोन स्विच ऑफ कर लेता, ड्राइवर के पब्लिक मार दे पीट दे कोई मतलब भाई। मालिक कह रहा है मैं नहीं जानता, मेरे ड्राइवर नहीं है, और मालिक यहाँ पे जल्द से जल्द आ लेना चाहिए। कंपनी भी उसी के सहयोग करता है, कंपनी भी बोलता है कि मालिक से बोलो। मालिक अगर कंपनी जानता, ये 3-5 दिन से लाश पड़ी हुई है, मालिक और कंपनी जानता तो इनको देखभाल नहीं करता मालिक। काफी मशक्कत के बाद पुलिस प्रशासन ने मामले को शांत करवाया और यह आश्वासन दिया कि मृतक को उचित मुआवजा दिया जाएगा। उसके बाद खबर है कि कंपनी के मालिक को कालंदी कुंज थाने में बुलाया गया, जहां पर उन्होंने मुआवजा देने की बात कही है। लेकिन ये कोई पहली घटना नहीं, ऐसी कई घटनाएं दिल्ली में लगातार सामने आती है, जिसमें मालिक यह कहकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं कि शख्स ने कभी हमारे यहाँ काम किया ही नहीं। अब देखना यह है कि देवेंद्र के मामले में पुलिस प्रशासन किस तरह की कार्रवाई करती है, क्योंकि पुलिस प्रशासन के आश्वासन के बाद ही शव का अंतिम संस्कार किया गया है, जिसका एक्सक्लूसिव फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं। और हम शासन प्रशासन सहित स्पीड कैरियर के मालिक से ये अपील करते हैं कि वे इस शख्स को उचित मुआवजा दें, क्योंकि इसके घर में कमाने वाला व्यक्ति सिर्फ यही है, इसका भाई अभी काफी छोटा है और मृतक के घर में सिर्फ मृतक की माँ है। ऐसे में देवेंद्र को इंसाफ मिलना चाहिए। तो ये थी इस वक्त की ब्रेकिंग अपडेट, और ऐसे ही खबरों से बने रहने के लिए आप मोबाइल न्यूज 24 को अभी सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब बटन के साथ लगे नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें, वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि देश और दुनिया की तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट।